सर और आपके को स्टार देव शर्मा, आपको कॉम्प्लेक्स तो फील नहीं हुआ कभी? हाइट थोड़ी ज्यादा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो नहीं डर। अभी अगर सेट की बात करें तो बिल्कुल फ्रेंडली था, जैसे अभी बोला कि किसी को कॉम्प्लेक्स तो फील नहीं हुआ, आई डोंट थिंक सो ऐसा किसी को लगा होगा। सब लोग एक फैमिली की तरह काम किया है, सब लोग खुश थे, मजे मजे में फिल्म शूट कर ली, तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि किसी को लगा हो कि यार कुछ तो गड़बड़ है, नहीं था, नहीं ना, बिल्कुल फैमिली की तरह हम लोगों ने फिल्म कंप्लीट की है। तो जिस तरह से आपके लिए कहा जाता है वैसे देव जी को भी कॉम्प्लेक्स फील हो सकता है। कॉम्प्लेक्स एक एक आपको क्या पता है, एक फिल्म में आपने 6 सुपरस्टार रख दिए हैं तो कॉम्प्लेक्स फील तो होता ही है ना कि मेरे शॉट ज्यादा है, मेरे सीन्स ज्यादा है, ऐसा होता है ना, एडिटिंग में मुझे बुलाया नहीं, ये सब बिहाइंड द कैमरा बहुत सारी चीजें बातें होती है, गॉसिप होती है। तो देव जी बताइए, राहुल के बारे में क्या कहना है? मेरी पूरी टीम वहां खड़ी, ऐसा कुछ था क्या शूट पे? नहीं, जोर से नहीं, नहीं। बिल्कुल भी नहीं रहता ऐसा। इनफैक्ट एक्चुअली क्या होता है, कॉम्प्लेक्स शुरू होता है जब पेरेंट्स ना एक बच्चे को ज्यादा प्यार करते, देव ज्यादा फेवरेट है, हालांकि मैं था थोड़ा ज्यादा फेवरेट आशीष भाई का, लेकिन ऐसा नहीं था कि हमें प्यार कम मिला है। और बहुत मजा आया शूट करके फिल्म, हम लोगों ने, हम सब लोग इसलिए, आशीष भाई इंक्लूडिंग, हम लोग सब इसलिए फिल्म से जुड़े कि पार्थो दादा इतने बड़े लेजेंड हैं। और हाँ, अरे ये चिराग खान जो, सबसे पहले तो चिराग खान जिन्होंने हम सबको जोड़ा यहाँ पे, और पार्थो दादा ऑफकोर्स जिनके लिए हमने सबने आगे बढ़ के इस फिल्म में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि इतने बड़े लेजेंडरी डायरेक्टर हैं और उनका कमबैक फिल्म थी तो करना ही था। और मेरा थोड़ा सा यारों के साथ, दोस्तों के साथ ना कनेक्शन अच्छा रहा है, मेरी पहले फिल्म यारियाँ थी दोस्तों पे, अभी दोस्ती जिंदाबाद अगेन दोस्तों पे, तो ये थोड़ा आप देखो क्या कॉम्प्लेक्स नहीं, भाई भाईचारा ज्यादा है। तो बहुत मजा आया फिल्म में शूट करके, और मेरी को एक्ट्रेस ब्यूटीफुल साक्षी मग्गू, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और इनके सपोर्ट से मैं भी, जितने भी हमारे कॉमन सीन्स थे बहुत अच्छे हुए, और राहुल, मैं और मिस्टर अब्बास भाई मुझे अभी दिख नहीं रहे यहाँ पे, तो हम तीनों की केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा दमदार है, सभी वॉज इक्वली ग्रेट। एंड अभी मैं इन लोगों की लाइनें खा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं देता हूँ कि ये लोग भी बात करें। साक्षी, थैंक यू। अच्छा, बात हम लोग ने स्टार्ट की थी कॉम्प्लेक्स से। There were some reasons कि we could not produce it, we could not release it in the last 2 years. But here, when I am standing here on the trailer launch of our movie, I feel blessed. Please give it big hand. I feel blessed that my dad's dream is coming true. I love him with all my heart. All he has done for us, all he has done for me, for my family. In the last years, in the 14 years of my existence, what I've seen him always doing for me, always standing by my side. I love him for it. I love you, Dad. Love you too. Love Please you. Come on the stage, Mr. Ashish Maheshwari. Love you, baby. इस फिल्म के जो हमारी प्रोड्यूसर हैं, श्रुति मेहसूरी जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। श्रुति जी, कैसे इजाजत दी आपने ये फिल्म बनाने की इनको? बहुत डरते हैं लोग अपने हस्बैंड को इस इंडस्ट्री में भेजने के लिए, प्लीज प्लीज इसके बारे में बताइए। दैट इज द मेन थिंग, इज द विश्वास, फेथ होना चाहिए। एवरी रिलेशनशिप एंड जस्ट बिकॉज़ ऑफ द फेथ, नथिंग इज। कैसा एक्सपीरियंस रहा एज अ प्रोड्यूसर, क्योंकि ये तो प्रेजेंटर रहे हैं, इन्होंने फाइनेंस किया फिल्म में, आप मेन प्रोड्यूसर ही, मेन प्रोड्यूसर का दुख होता है, अभी तक इनको प्रोड्यूसर करके बेसिकली हमारे आशीष जी प्रेजेंटर रहे हैं, प्रोड्यूसर हमारी श्रुति जी हैं और शैलेश भैया हैं, तो कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस एज अ प्रोड्यूसर बनके इस फिल्म में? बहुत ही, सबने अच्छा कोऑपरेशन किया, रियली सभी का बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा, जो भी हमारे साथ पूरा टीम था, रियली वर्क हार्ड, एंड इट वाज एक्चुअली आवर ड्रीम, ये हम लोगों का ड्रीम था, दोस्ती जिंदाबाद, जो तीन लोगों की बेहतरीन कहानी थी, बहुत ही अच्छा है। शैलेश भैया, आप बताइए, आपने तो आई थिंक कितने साल का डिफरेंस है आप दोनों में? 6 साल का। तो शैलेश भैया लाइक ए फादर बोल सकते हैं ऐसा, कि उन्होंने आपको संभाला सबकी, तो कैसे इजाजत दी और बोला कि ये दोस्ती जिंदाबाद फिल्म स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इन्होंने कैसे बोला? क्योंकि मुझे
सूत्रों से फिर पता चला है कि इनकी बोलती नहीं निकलती आपके सामने। नहीं, ऐसा कुछ एक पैशन होता है ना आदमी का, इतना जबरदस्त पैशन था कि मैंने रोकना भी चाह रहा लेकिन रुका नहीं, और उसके रिजल्ट काफी भी पॉजिटिव दिख रहे। बहुत अच्छा इसमें जिसने किया, काफी मेहनत की, और पूरी यूनिट ने बहुत मेहनत की, पूरी यूनिट का बहुत अच्छा कोऑपरेशन था और सबने मिलकर बहुत मेहनत। और इसी के साथ हम इस फिल्म की जो हमारी को प्रोड्यूसर एलिस कुलकर्णी, उनको बुलाना चाहूंगा, इनके लिए जोरदार, ये काफी अच्छा ड्रेसअप और मेकअप करके आए, इनके लिए, इनके ड्रेसअप के लिए जोरदार तालियां। और मेकअप प्लीज ऐसा मत करिए, हमारी एक्ट्रेस को कॉम्प्लेक्स होगा, अभी कॉम्प्लेक्स पे बहुत सारी बातें की हम लोगों ने। कैसा एक्सपीरियंस रहा को प्रोड्यूसर? अच्छा, ये फिल्म में को प्रोड्यूसर का काम क्या होता प्लीज बताइए, सह निर्माता आपको बहुत मजा आएगा। I would say एक time था, because I'm not going to bore you with any details, और मैं कोई boring बात नहीं करूँगी। All I'm going to say is there was a time जब हम सारे लोग एक साथ बैठ के फिल्म देखते थे। I hope anyone remembers that time जब हम अपने माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, everyone, we used to just sit in one room and watch a movie, like a family movie, और एक picture का एक time होता था। ये नहीं लगता था कि यू नो इस पिक्चर में ऐसा कोई सीन है जहाँ हम नहीं देख पाएंगे, बच्चों को बताना है, हमें अपने माँ बापों के साथ नहीं देखना। सो वी वॉन्टेड टू इनकॉर्पोरेट दैट थिंग कि हम सारे ऑडियंस को टारगेट करें, ना ही यंगस्टर्स, ना ही बूढ़े, ना ही जवान, ना ही कपल्स, वी वॉन्टेड टू टारगेट एवरीवन। वी वॉन्टेड टू मेक श्योर दिस मूवी इज एंजॉयबल बाय एवरीवन, सब लोग इसे एक साथ बैठ के देखें, वापस एक बार 90s में जाएं। थैंक यू। और अच्छा, इस फिल्म का एक सीक्रेट और है कि ये जितने भी क्रिएटिव्स आप देख रहे हैं पोस्टर्स पे, तो ये ऐसी दुआएं मेरी है इस फिल्म के लिए, इंशाल्लाह। मैं अपने फिल्म के जितने भी एक्टर हैं उनको इनवाइट करूंगा, प्लीज कम ऑन द स्टेज, देव, राहुल, देखनी, क्योंकि हम सबकी लाइफ में दोस्त होते हैं और दोस्त कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं ये मतलब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप सब दोस्त हैं और आप लोगों की कुछ स्टोरीज़ होंगी, तो शायद आप लोगों को अपना आपको अपने आप को अपनी लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ झलकेगा पर्दे के ऊपर जब आप ये फिल्म देखने के लिए आएंगे। और
और रिलेट करेंगे हर एक सीन से कि यार हम लोग भी तो ऐसे ही करते हैं, ऐसी तो मस्ती करते हैं, ऐसे ही तो हेल्प करते हैं एक दूसरे की. तो इट्स ऑल अबाउट फ्रेंडशिप. और क्या होता है कि जब दोस्ती सच्ची होती है तो हम हद नहीं देखते कि यहाँ तक हम हेल्प कर पाएंगे, मतलब जान देने तक के लिए तैयार हो जाते हैं. तो बस उसी तरीके से हम लोगों ने दोस्ती जिंदाबाद को बनाया है और आप लोगों को सबको अच्छा लगेगा देख के. दोस्ती के बारे में कई फिल्में बन चुकी है, फ्रेंडशिप के ऊपर कई फिल्में बन चुकी है, फिलहाल पहले भी बन चुकी है, इसमें क्या खास बात होगी जो लोगों को पसंद है? इसमें सबसे खास बात तो ये थी कि पार्थो दादा का एक बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था हमको कि तुम लोग हीरो या मॉडल नहीं दिखने चाहिए हो, बी लाइक नॉर्मल गाय. तो हम इस फिल्म के अंदर आप जब आपने जो ट्रेलर देखा उसमें हम लोग ऐसे कुछ हेयर स्टाइल अच्छा सा बना के या कुछ ऐसे नहीं, बिल्कुल रियल लाइफ जैसे हम लोग रहते हैं, शर्ट पहना, पैंट पहना और नॉर्मल. तो एक एक बहुत ही रियलिस्टिक आपको कैरेक्टर नजर आएंगे जितने भी हैं इसके अंदर. फिल्म की एक्ट्रेस साक्षी डिनर स्टार्ट हो गया है, प्लीज आप लोग खाना खाते रहिए. आई वॉज सो एक्साइटेड ये जानकर कि मूवी 18 तारीख को रिलीज हो रही है. मुझे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा 1st of November तक. आई एम वेरी मच एक्साइटेड. नर्वस भी है? बिल्कुल भी नहीं. नर्वस फॉर व्हाट? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं. आप क्वेश्चन पूछिए, मैं आंसर देती हूँ. मैंने पूछा ना, मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको फिल्म को लेके और आपकी फ्रेंडशिप लाइफ कैसी रही है फिल्म को लेके, मतलब फ्रेंडशिप किस तरह से रही है? हम ऑलरेडी एक दूसरे को जानते थे. अच्छा. मूवी के दौरान दोबारा मिले, सबकी सब बहुत अच्छी रहती थी, सब कुछ बहुत अच्छा था. और फिल्म का शूट कैसे शुरू हुआ, कैसे खत्म हुआ, स्टार्ट टू एंड एकदम पता ही नहीं चला. एवरीथिंग वॉज गुड. अब ट्रेलर तो आप सब लोगों ने देख ही लिया है. फिल्म को लेके कितना एक्सपेक्टेशन है आपकी खासकर? एक्सपेक्टेशन तो अपनी प्रोजेक्ट्स को लेकर सबको होता है. अब ऑडियंस को कितनी पसंद आती है वो मैं नहीं बता सकती, वो ऑडियंस बताएगी, ऑडियंस डिसाइड करेगी. तो मूवी जब रिलीज होगी उसके बाद ऑडियंस बताएगी उन्हें कैसे लगी है. एक दूसरे से काम करके कैसा लगा, मतलब बहुत कंफर्टेबल, बहुत अच्छा. और जैसे दोस्त आपस में रहते हैं, हम लोग पहले से एक दूसरे को जानते थे तो यारी दोस्ती मस्ती करते करते हमने पूरी फिल्म की और अच्छा एक्सपीरियंस रहा. जब आप ऑलरेडी किसी को जानते हैं तो उनके साथ काम करने में बहुत ईज हो जाता है, क्योंकि आप थोड़ा मजाक भी कर सकते हैं, थोड़ा गुस्सा भी हो सकते हैं, थोड़ा समझा भी सकते हैं. हालांकि जब कभी ऐसा होता है कि एक नए एक्टर आपस में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर हमने कोई सजेशन दे दिया या उन्होंने दिया तो थोड़ा बुरा लग जाता है. लेकिन यहाँ पे हम दोनों एक दूसरे को टाइम टाइम पे बताते रहते थे कि आई थिंक इसको ऐसे कर लेते हैं, देव तू इसको ऐसे कर ले, साक्षी तू इसको ऐसे कर ले. तो ऐसे मिल बांट के जब काम करते हैं तो अच्छा बनता है. तो मैम आप भी कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? I would just like to say it's a all in all great experience working with these people. They are more a family than just workmates. मेरे हिसाब से इनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया. एक फिल्म में एक सिर्फ एक इंसान की नहीं होती है, ये पूरे क्रू की होती है, इवन आपकी होती है. आप सब अपना एफर्ट डालते हैं और हमारा बाइक लेते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप खड़े हैं कैमरा लेके, एवरीवन हैज़ उनका अपना एक योगदान होता है. तो मेरे हिसाब से अगर एक फिल्म सक्सेस होती है, हिट होती है, फ्लॉप होती है, आई थिंक उसका असर कहीं ना कहीं हम सब पर पड़ता है. एज अ प्रोड्यूसर हम बस ये चाहते हैं कि हम प्रॉफिट्स हो, सब हो, बट मेरे लिए आई थिंक ये मूवी पसंद आए, यही हमारा मोटिव है. और हम आगे काम करें, आगे आपको ऐसी एंटरटेन करें, आगे आपके साथ जुड़े रहें, दैट्स ऑल वी वांट. कुछ ऐसा कुछ बात कहना चाहेंगे आप लोगों को जिसके लिए वो फिल्म देखने जा रहे हैं? देखिए ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर फिल्म प्रमोशन में हर आर्टिस्ट से ये क्वेश्चन पूछा जाता है और हर आर्टिस्ट कहता है ये हमारी फिल्म हटके है, अलग है. मैं थोड़ा अलग बोलता हूँ कि हमारी फिल्म हटके नहीं है, अलग नहीं है. लेकिन अब तक आपने अपनी लाइफ में जिस भी तरह की मस्ती, यारी, दोस्ती एक्सपीरियंस की है उसका एक मिक्सचर है जो आपको देख के अपना पास्ट, अपना फ्यूचर याद आएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि यार कितना अच्छा फील होता है. और शायद आप लोग सब मूवी से थिएटर से बाहर निकलेंगे और अपने अपने दोस्तों को कॉल करके बोलेंगे कि यार कमाल है यार, काफ़ी दिनों के मिले हुए, आज मेरा मिलते हैं, ज़रा चाय वाय पीते हैं साथ में. तो बेसिकली सबको साथ लाने के लिए, एक टुगेदरनेस के लिए इसमें उनको बनाएंगे. किसके लिए? सेम क्वेश्चन, क्यों देखें फिल्म? क्यों देखें? क्योंकि आशीष जी ने बहुत मेहनत की है फिल्म के अंदर.
आई जस्ट थिंक फिल्म इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि हमारी इंडियन इंडियंस जो होते हैं ना इन सबको पिक्चर देखना बड़ा पसंद होता है। हम सबको पिक्चर देखना पसंद होता है, बूढ़ा बच्चा हर किसी को पिक्चर कह दो सबके चेहरे पे स्माइल आ जाती है चाहे उनको समझ में आए नहीं आए। तो आई थिंक इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि हमें सब हम सबको कहीं ना कहीं लाइफ में एक थोड़ा सा टाइम अपनी नॉर्मल जिंदगी से हटके चाहिए होता है, काम से हटके चाहिए होता है, थोड़ा इन्जॉयमेंट चाहिए होता है, थोड़ा फैमिली टाइम चाहिए होता है। सबकी वजह अलग हो सकती है बट फिल्म तो सबके लिए होती है। बताएं सर आप भी कैसे मतलब इस फिल्म से कैसे जुड़े और आपने इस फिल्म के बारे में कैसे सोचा और राइटिंग वगैरह कैसे लगी आपको? भाई मैं इसका किस्सा बताता हूँ, एक मिनट लगेगा। 2016 में मैं एडमिट हो गया था हॉस्पिटल में, तब मैंने ये कहानी सोची थी। 2016 में मैं एडमिट हो गया था तब मैंने ये कहानी सोची थी और उसके बाद मैं इस कहानी को शक्ल दी है सुहेल मुश्ताक ने और उसके बाद हमने आगे बढ़े धीरे धीरे और पार्थो जी मिले, पूरी एक यूनिट तैयार हुई और हम लोगों ने फिल्म को शूट पे लेके गए। मतलब 2016 में तो मैं बीमार पड़ा था, उसके बाद मैंने कहानी सोची थी। अच्छा। मैं 7 दिन बहुत परेशान था। समय लगा फिल्म को कंप्लीट होने में? 1 साल लग गया पोस्ट एंड ऑल, 1 साल लगा। मूवी का बेसिक कंसेप्ट तो इन्हीं का था, व्हेन ही वाज मींस जब ये एडमिट थे एट दैट टाइम आई थिंक अबाउट दैट क्योंकि दैट इज़ द टाइम व्हेन वी कम टू नो हु इज रियली अवर फ्रेंड, वही टाइम होता है। और उसी समय एक कंसेप्ट बना था और इस पर हम लोगों ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया था और धीरे धीरे एवरीवन जॉइंड अस और एक रिजल्ट आपके सामने है। तो आगे चल के इस फिल्म का सफल होना कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए एज अ प्रोड्यूसर, एज अ फिल्मेकर? हर फिल्म और हर मूवी जो होती है प्रोड्यूसर के लिए मायने रखती है क्योंकि वो जो मूवी बनाता है बाय हार्ट बनाता है, विद फुल एफर्ट बनाता है। तो एवरी मूवी मीन्स अ लॉट फॉर एवरी प्रोड्यूसर, नॉट ओनली फॉर अस, सभी के लिए मायने रखती है। तो आशीष सर आगे क्या प्लानिंग है कुछ आप? बस बहुत जल्दी कुछ बड़ा करेंगे। थैंक यू। पुरानी बातें। बेसिकली ये फिल्म 8 तारीख को रिलीज़ हो रही है और जो एक मध्यम वर्गीय रिलीज होती है इसको हमने वैसे कैटेगराइज किया है। पहले 300 सिनेमा से इसको ओपन कर रहे हैं हम लोग ऑल इंडिया में और कुछ पार्ट हम इसका ओवरसीज में भी रिलीज़ करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो होप सो आप लोगों को मज़ा आएगा। अभी कल इसका ट्रेलर हमने जो है इसका मिड डे अवार्ड में एक छोटा सा ट्रेलर इसका लॉन्च किया है, तो वहाँ पे आशीष जी को जो अवार्ड मिला है इस फिल्म के लिए कि फर्स्ट डेब्यू अवार्ड मिला है और मुझे इस फिल्म तो नहीं बोलेंगे लेकिन बिग कर्टन्स में आज तक मैंने 50+ फिल्में रिलीज़ की हैं इंडिया एंड ओवरसीज़ में, तो मिड डे ने भी मुझे अवार्ड से नवाजा है। तो थैंक यू मिड डे एंड सोबीज अवार्ड जो 2019 का दिया है। बाकी और कुछ? जी सर अवार्ड मतलब मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवार्ड दिया है। थैंक यू भाई, आजकल यही होता है। बताइए सर दोस्ती जिंदाबाद के बारे में। यार ये 3 दोस्तों की कहानी है और अगर बात करें फिल्म के बारे में तो ऐसा समझ लीजिए कि कॉलेज के पहले की और कॉलेज के बाद की जो लाइफ होती है उसको एक साथ दिखाने की कोशिश की है। और हमेशा आपने सुना होगा कि आपको सब कुछ मिल जाता है लेकिन अच्छे दोस्त नहीं मिलते, तो हम लोगों ने वही दिखाने की कोशिश की है कि अगर आपको कभी अच्छे दोस्त मिले हैं तो उन्हें छोड़िए मत, अगर छोड़ दिया तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि लाइफ में आपसे सॉल्व नहीं होंगी। जब ज़रूरत पड़ती है तो वो चाहे वो निकम्मे हो चाहे नकारा दोस्त हो वही आके आपकी हेल्प करते हैं। तो इस फिल्म में वही दिखाया गया मतलब जो दोस्त हैं? हाँ बेसिकली इसमें यही दिखाया गया है कि 3 दोस्त हैं जिनकी जर्नी हम आपको दिखाने वाले हैं अलग अलग तरीके से, बाद में जो लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी उन सबको एक साथ मिलकर सॉल्व करेंगे, उसी तरह से फिल्म को आगे। ओके